गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट बुक सेकेंड की। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। जैसा कि आप जानते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। बहुत से प्रिंसली स्टेट थे, बहुत से गवर्नेंस ऐसे प्रोविनेंस थे जिनको एनेक्सेस करना था और अपने अंडर में लेकर के चलना था उनको, क्योंकि वहाँ से जिन्ना भी लगे थे, यहाँ से सरदार पटेल लगे थे। तो बहुत से रियासतों को तो भारत में विलय करा लिया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट छोड़े गए थे उनकी कई तरह की सिचुएशन थी। कोई डायरेक्ट इनके अंदर में आता था, कोई अंग्रेज भारतीयों के अंडर में थे। तो इस तरह बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी भारतीयों को। जो हमारा नेशनल मूवमेंट उस समय चल रहा था, अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की। उस समय जो हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो नेशनल मूवमेंट में ये वादा किया गया था पब्लिक से कि हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, स्टेट यानी कि लैंग्वेज के आधार पर हम क्या करेंगे, स्टेट का निर्माण करेंगे। जब नेशनल मूवमेंट चल रहा है तो उस समय वादा किया गया था। आफ्टर नागपुर सेशन, जो नागपुर सेशन जैसे कि आप जानते हैं कब हुआ था, 1920 में, क्लास टेंथ में आपने पढ़ा है नागपुर सेशन के विषय में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं से पास हुआ था। तो नागपुर सेशन कांग्रेस 1920 प्रिंसली स्टेट वॉज रीऑर्गेनाइज एज बेसिस ऑफ द रिकग्नाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसको रिकग्नाइज कर लिया था कि हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद नागपुर सेशन में कांग्रेस ने भी रिकग्नाइज कर लिया था कि आज़ादी के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज हम स्टेट का क्रिएशन करेंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है, तो देश आज़ाद होने के बाद कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है भारत को। और उस समय जो वादे किए गए थे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, थिंग्स चेंज आफ्टर द पार्टीशन, क्या हो जाता है, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने की इच्छाएँ हुई, इच्छा क्या हुई उनकी, नए स्टेट बनाने की इच्छा हुई लोगों के लिए। तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, विद्रोह चालू करना चालू कर दिया कि आपने जो हमसे प्रॉमिस किए थे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल क्रिएट द न्यू स्टेट्स, आपने उसे फुलफ़िल नहीं किया। तो ये जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है भारतीय लीडर्स को। और उसी समय हमारे देश में क्या था, इलेक्शन चल रहे होते हैं, इलेक्शन यानी कि इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तो वहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, नेहरू गो बैक, और ब्लैक फ्लैग दिखाए जाते हैं इनको कई जगह पर, जिससे ये क्या हो जाते हैं, तो इनको भी उसमें सोचना पड़ जाता है कि हाँ कुछ इनको देना पड़ेगा। और उसी समय वो करते क्या हैं, तो एक कह सकते हैं कि व्यक्ति थे जिनका नाम सीताराम लू था, वो क्या हो जाते हैं 56 डेज तक क्या करते हैं, फास्ट करते हैं स्टेट की डिमांड के लिए। और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो वो जो भीड़ होती है, जो पब्लिक का गुस्सा रहता है, वो बाहर निकल कर आता है पूरी तरह से। तो इससे क्या हो जाता है, मजबूरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये, क्योंकि अब वो डर क्यों रहे थे, इसलिए उनको जो डर था कि अगर हमने ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्टेट अगर बनाना चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा बहुत सा, डिस्टर्बेंस होगा बहुत। तो इस ये डर रहे थे वो कि कहीं, क्योंकि भारत जानते हैं कि यहाँ पर 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, अगर उन्हें किसी भी स्टेट को इस तरह मान्यता दे दी तो बहुत सारे स्टेट क्या करेंगे, वो डिमांड करने लग जाएंगे। तो उनको इस तरह का खतरा सता रहा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया इन सब चीज़ों का। लेकिन उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, दिसंबर 1952 में वो घोषणा कर देते हैं, यानी कि प्रोक्लेम कर देते हैं कि क्या होगा, कि आंध्र प्रदेश का गठन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज किया जाएगा। कब करते हैं वो, दिसंबर 1952 में वो प्रोक्लेम कर देते हैं पूरी तरह से। यही क्या हो जाता है, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाती है, और इसके तहत आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाता है, आंध्र बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट क्रिएट, यानी कि फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसका क्रिएशन किया जाता है आंध्र बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब देख, जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एक्ट जो पास हुआ था, वो कब पास हुआ था, 1956 में पास हुआ था। और इसके पहले जो, तो फिर अब लास्ट कितने स्टेट बन गए, 14 स्टेट और 6 यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी, इन सब से टोटल निकल कर आए जा करके। जैसे कि आप जानते हैं 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात को अलग कर दिया गया। इसी तरह बहुत से स्टेट क्या हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बन गए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन टू नेक्स्ट टॉपिक।